पढ़ के समझना है कि ये भाषा का कौन सा रूप है। बात करना, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। पुस्तक पढ़ना, ये भाषा का कौन सा रूप है? ये भी मौखिक है। पत्र लिखना, ये जब हम लिखने का काम करते हैं तो लिखित भाषा का हो गया, रूप हो गया। और गाना सुनना, ये क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया, क्योंकि हम उसको लिख नहीं सिर्फ सुन रहे हैं। तो हम पहले भी बोल पढ़े हैं कि मौखिक भाषा में बोलने और सुनने का काम होता है। तो गाना सुनना, ये क्या हो गया? हमारा मौखिक भाषा हो गया। क्वेश्चन इस तरह से, आज आपने भाषा, भाषा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपने आज के इस चैप्टर में पढ़ लिया। कल की क्लास में मैं आपको आगे का चैप्टर बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, बाय।